कि मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी आंखों का दान कर दिया, तो पहले तो जो डॉक्टर आया है आंखों को लेने के लिए वो ही रिश्तेदारों से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या उसको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। लेकिन ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि रिश्तेदारों को शायद सब कुछ ना पता हो। तो जब उस आंख को आई बैंक में ले जाया जाता है तो वहां पे उस पुतली पे भी कुछ टेस्ट करके देखा जाता है कि उस पुतली को यूज करा जा सकता है कि नहीं यूज करा जा सकता। साथ ही साथ जब आंखों का दान होता है वो उस मृत व्यक्ति के ब्लड सैंपल को भी लेके जाता है, खून का सैंपल लेके जाता है, और उस खून के सैंपल में भी सारा कुछ टेस्ट करा जाता है कि कहीं कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे पेशेंट को पुतली हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। तो अगेन हमें समझना जरूरी है कि आई डोनेशन के बाद आई बैंक में आंखों या पुतली का प्रॉपरली चेकअप होता है, और जब वो पुतली फिट हो जाती है तभी उस पुतली को दूसरे इंसान में इस्तेमाल किया जाता है।